इंदौर के गौतमपुरा में परंपरागत रूप से होने वाला हिंगोट युद्ध संपन्न हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर योद्धाओं ने भाग लिया। यह कैसा युद्ध होता है जिसमें ना तो किसी की जीत होती है ना ही किसी की हार होती है। इस युद्ध को गौतमपुरा और उंजी के हिंगोट युद्ध के योद्धा भाईचारे का युद्ध मानते हैं। वह इस बार बड़ी संख्या में दर्शक युद्ध देखने पहुंचे। युद्ध को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात कर चौकसी बरती गई। वहीं इस बार युद्ध के मैदान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और ड्रोन से भी निगरानी रखी गई, ताकि हर एक मोमेंट पर निगरानी रखी जा सके। गौतमपुरा में होने वाले इस खतरनाक हिंगोट युद्ध में इस बार 46 लोग घायल हुए, जहां उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। आज यहाँ दीपालपुर तहसील के गौतमपुरा टप्पे में हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100-150 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, और क्योंकि ये एक परंपरा है और इसमें आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक युद्ध किया जाता है, तो मुझे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि 7 लोग हैं जिन्हें इंजरी हुई है और हिंगोट लगने के कारण, और बाकी लोग ठीक हैं, किसी को कोई मेजर नुकसान नहीं रहा है। ब्रूशेज पर रहते ही आदमी मैदान में दौड़ता भी है तो गिर जाता है, इस टाइप से छोटी मोटी इंजरी है, बाकी ऐसा कोई मेजर नुकसानी क्षति नहीं हुई है। सर, जो आपके यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो डॉक्टर अवेलेबल थे, उन्होंने बताया कि उनके पास लिस्ट 30 लोगों की, 30 लोगों की, उन्होंने कहा कि एक तरफ 30 लोगों की उनके पास है कि जिसमें 2 लोग ज्यादा गंभीर है। आई एग्री, मैंने आपको कहा कि 7 लोग हैं जिनको इंजरी हुई है, बाकी किसी को अगर खरोच आई है, कोई मैदान में दौड़ते हुए गिर गया है, घुटने में लग गया है, बहुत माइनर इंजरी है, उसको तुरंत वहाँ मलम पट्टी लगाकर हमने घर रवाना कर दिया है, कोई मेजर इंजरी उसमें हम काउंट नहीं करते। सर, जिन लोगों को मेजर इंजरी है उनको क्या इंदौर ट्रीटमेंट के लिए भेजा, किस प्रकार की इंजरी हुई है? कोई मेजर इंजरी नहीं है। जो 7 लोग हैं उनको अभी हमने एम्बुलेंस से रेफर किया है यहाँ जो PSC है यहाँ पर, और प्राइमरी उपचार उनका करा के, और जो उपरांत जाँच डॉक्टर को लगेंगी वो करके, अगर कोई गंभीर मैटर लगेगा तो हम रेफर करते हैं। सर, जब युद्ध हो रहा था किस तरीके से किए गए थे? सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए? हमने यहाँ पर इस बार 12 से 15 फीट ऊंची हमने जाली लगाकर, जो जनता आती है देखने और जो लोग उत्साह से आते हैं देखने उनको सेफ रखने के पर्पज से हमने 15 फीट ऊंची जाली लगाई थी, जो अमूमन हर साल 6-8 फीट ही रहती है, तो हमने ये एक बढ़ाकर सुरक्षा के प्रबंध किए थे। लगभग 500-600 पुलिस बल, राजस्व बल, राजस्व के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हमने डिप्लॉय किए थे, और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है आयोजन, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की उपचार टीम हमारे पास में, हमने यहाँ पर 6 एम्बुलेंस डिप्लॉय की थी, जिसमें 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी जो जिले से प्राप्त हुई थी, और 4 हमारे पास लोकल एम्बुलेंस थी हमारे ब्लॉक के अवेलेबल, और वो तत्काल पूरी लाइफ सपोर्ट फैसिलिटी के साथ, तो कभी जैसे ही उनको कुछ इंजरी हुई थी तत्काल हमने एम्बुलेंस में उनका उपचार शुरू कर दिया था। माना जाए सभी 30 नॉर्मल है? सभी नॉर्मल है। सर, इस बार नया किया गया सर, CCTV जो है लगाए गए थे इस बार, क्या वजह से, किस कारण से लगाए गए थे सर? देखिए, इतना बड़ा आयोजन होता है, लगभग 8-10 हज़ार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, तो जनता को पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए हमारे पास में, हर रिकॉर्ड, उस पूरा मूवमेंट का रिकॉर्ड रहे, हिंगोट युद्ध मैदान में कौन जा रहा है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए हमने CCTV इस्तेमाल किए थे। तो मैदान में हमने 8 CCTV लगाए थे जो हमारे